फ्रेंड्स, आज मैं वीडियो लेके आया हूँ सर्टिफिकेट कोर्स ऑफ कम्युनिटी हेल्थ अर्थात MPCHO का, जो 10 दिसंबर 2019 को एग्ज़ाम हुआ था उसका सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन आंसर। तो चलिए फ्रेंड्स, समय को ज़्यादा नहीं लेते हुए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पार्ट 1 शिफ्ट 1 का अपलोड हो चुका है वीडियो, आप उसको भी देख सकते हैं। और उसके नीचे लिंक में मैं डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा डाउनलोडिंग का ऑप्शन, जिसको आप कभी भी PDF डाउनलोड कर सकते हैं फ्रेंड्स मेरी वेबसाइट से जाकर। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन से। विच पार्ट ऑफ पेनक्रियाज प्रोड्यूस एंड सीक्रेट इंसुलिन? राइट आंसर आई सेलेक्ट ऑफ लैंगरहैंस, जो पेनक्रियाज में पाया जाता है। सेकंड क्वेश्चन, इन हाई ग्रेड फीवर द बॉडी टेम्परेचर इज 103 फ़ारेनहाइट से 107 फ़ारेनहाइट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए एंडोक्राइन ग्लैंड्स? अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है तो हाइपोथैलेमस, ये मस्तिष्क में पाया जाता है हाइपोथैलेमस। नेक्स्ट, व्हेन पल्स रेट इज लेस देन 60 बीट्स पर मिनट इज द कॉल्ड? राइट आंसर ब्रेडी कार्डिया। और जो अधिक हो जाता है फ्रेंड्स, 100 से अबव हो जाता है, तो उसे ट्रेकी कार्डिया कहते हैं, जो थर्ड नंबर पे दिया हुआ है। नेक्स्ट, डिक्रीज्ड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन ब्लड इज नॉन एज? राइट आंसर हाइपोक्समिया। और जब अधिक हो जाता है तो हाइपरकेनिया कहते हैं, हाइपोक्सिया कहते हैं, हाइपोक्सीमिया। नेक्स्ट क्वेश्चंस, विच ऑफ फॉलोइंग कंप्राइज्ड ऑफ 7 बोन्स? राइट आंसर सर्वाइकल वर्टिब्री। हाउ मैनी लॉब्स लिवर इन? राइट आंसर 4। कोलर बोन्स इज नॉन एज क्लेविकल, जो क्लेविकल बोन होते हैं उसे कॉलर बोन भी कहा जाता है। सिंपल बोले तो हमारे जो गले में कॉलर जो लगाए जाते हैं, इसीलिए कॉलर शर्ट पे जो कॉलर होता है फ्रेंड्स, उसी को याद करेंगे तो आप समझ में आ जाएगा कि कॉलर बोन क्लेविकल बोन को कहा जाता है। विच टाइप ऑफ ब्लड सेल्स आर एसोसिएटेड विथ क्लॉटिंग? राइट आंसर प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स जो ब्लड सेल्स के साथ तो भाग लेता है क्लॉटिंग के लिए। सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज मेड अप ऑफ? राइट आंसर स्पाइनल कॉर्ड। व्हेन वाज इंडिया डिक्लेयर्ड पोलियो फ्री? 2014। व्हाट इज द सेक्स रेशियो इन मध्य प्रदेश? 931 931 पर 1000 मेल में। व्हाट इज द लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ बर्थ इन इंडिया? राइट आंसर 69। नेक्स्ट क्वेश्चंस, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इन इंडिया इज? राइट आंसर 33 पर 1000 मेल। नेक्स्ट, व्हाट विल बी द अप्रोक्सीमेट्स नंबर ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन इन अ ईयर इन ए सब हेल्थ सेंटर एरिया विथ ए पॉपुलेशन ऑफ 4800 एंड बर्थ रेट ऑफ 25? राइट आंसर 122 130। नेक्स्ट, विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू? राइट आंसर थर्ड, मलेरिया इज द ट्रांसमिटेड बाई एजिप्टी मॉस्क्यूटो, क्योंकि मलेरिया मादा एनाफिलीज अर्थात फीमेल एनाफिलीज मॉस्क्यूटो से फैलता है। नेक्स्ट, इंक्यूबेशन पीरियड इन द पीरियड बिटवीन एंट्री ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड डेवलपमेंट्स ऑफ सिस्टम, अर्थात जो ऑर्गेनिज्म है उसको प्रवेश से लेके उसके लक्षण उत्पन्न होने तक को इनक्यूबेशन या उद्भवन अवधि कहा जाता है। व्हाट इज द विरुलेंस? राइट आंसर डिजीज कॉसिंग कैपेसिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चंस, एबिलिटी ऑफ द पैथोजेन इज टू इस्टेब्लिश एन इन्फेक्शन इज कॉल्ड? राइट आंसर इन्फेक्टिविटी। नेक्स्ट, एजेंट होस्ट एंड फिल इन द ब्लैंक्स मेक इट एपिडेमियोलॉजिकल ट्राइड? राइट आंसर इन्वायरमेंट्स, ये तीनों मिलकर एपिडेमियोलॉजिकल ट्राइड बनाते हैं। नेक्स्ट, सेकेंडरी प्रिवेंशंस मीन्स? राइट आंसर नॉन ऑफ देम। नेक्स्ट,
ब्रोंकियल अस्थमा इज रिलेटेड टू, राइट आंसर ऑल ऑफ द देम, ए नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, व्हीजिंग साउंड्स एंड ऑकर इन ऑल एज ग्रुप्स, ये सभी लक्षण होते हैं। नेक्स्ट, रेस्ट्रिक्शंस ऑन द मूवमेंट ऑफ पीपल टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ डिजीज इज कॉल्ड, राइट आंसर क्वारंटीन। नेक्स्ट, हाइड्रोफोबिया इज द डिजीज इन विच द पेशेंट्स, राइट आंसर इज स्केयर्ड ऑफ द वाटर, अर्थात पानी का भय होता है उसे हाइड्रोफोबिया कहते हैं, जल का भय। ऑल आर वाटर बोर्न डिजीज एक्सेप्ट, राइट आंसर ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबरक्लोसिस इज द माइकोबैक्टीरियम ट्यूबुलर, और यह ड्रॉपलेट माध्यम से फैलता है, ना कि वाटर बोर्न डिजीज है। नेक्स्ट, हाउ मैनी एनसी चेकअप आर मिनिमम नेसेसरी, आंसर इज द फोर, चार एनसी चेकअप होना जरूरी है। ऑल आर साइन ऑफ हाई रिस्क प्रेगनेंसी एक्सेप्ट, एक के अलावा सभी, तो इसका राइट आंसर है नॉन ऑफ द MM, एक्लेम्सिया, प्रीवियस स्टिल बर्थ, प्रीवियस सी सेक्शंस, ये सारे हाई रिस्क प्रेगनेंसी के उदाहरण हैं। वाट इज नॉट ट्रू अबाउट सेवर एनीमिया इन प्रेगनेंसी, राइट आंसर फर्स्ट ए आईएफए टेबलेट्स डेली। नेक्स्ट, एक्लेम्सिया मीन्स प्री एक्लेम्सिया प्लस कॉन्क्लूजन्स इज द एक्लेम्सिया। वाट इज द ट्रू अबाउट गेस्टेशनल डायबिटीज, राइट आंसर हाई ब्लड शुगर डेवलप ड्यूरिंग प्रेगनेंसीज। मिनार्क यूजली ऑकर्स ऑफ एज ऑफ, राइट आंसर 11 to 13 ईयर्स, अर्थात जो मासिक धर्म की शुरुआत होती है वह उम्र आयु 11 से 13 वर्ष में प्रारंभ होती है, तो पहला मासिक धर्म को मिनार्च कहा जाता है। फर्स्ट डे ऑफ द लेडी मेनस्ट्रुअल पीरियड्स वाज 12 जुलाई 2019, व्हाट इज़ द एस्टिमेट डेट ऑफ डिलीवरीज, तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा अप्रैल 19, 2020, क्योंकि जुलाई जो 12 है उसमें 7 डे प्लस 9 मंथ्स जोड़ते हैं, तो 12 जुलाई में 7 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 19, तो 19 तारीख। अब इसमें से एक, सिर्फ एक क्लू अगर आप याद रखेंगे तो 12 और 7 19 होता है, तो 19 सिर्फ एक दिया हुआ है, तो वो आपका राइट आंसर ही आएगा, क्योंकि 9 महीना 7 दिन जोड़ा जाता है, आपको पता ही होगा। नेक्स्ट, मैटरनल डेट मीन्स डेट ऑफ प्रेगनेंट वुमेन, नो, फ्रॉम कंसेप्शन टिल 42 डेज ऑफ डिलीवरीज, अर्थात डिलीवरी के दौरान और उसके 42 दिनों तक भी जो मृत्यु होती है उसे मैटरनल डेथ में गिनती किया जाता है। द पीरियड ऑफ अबाउट 6 वीक्स आफ्टर चाइल्ड बर्थ इज नॉन एज, राइट आंसर नॉन ऑफ दिस, 6 सप्ताह, 6 सप्ताह अर्थात 1.5 महीने। नेक्स्ट क्वेश्चंस, व्हाट इज द लेबल्ड एज सेवर एनीमिया इन ए प्रेगनेंसी वुमेन, राइट आंसर एज वी लेवल इज द लेस देन 7 मिली 7 ग्राम्स पर डेसीलीटर्स। ए चाइल्ड इज सेम इफ MUC इज, राइट आंसर 11.5 सेंटीमीटर, अर्थात जो उसके बांह की परिधि होती है वह 11.5 से अधिक होती है, कम होती है, तो वह माल न्यूट्रिशंस पे होता है, सेवरल एक्यूट माल न्यूट्रिशंस। व्हाट इज द आइडियल एज ऑफ स्टार्टिंग्स कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग्स, राइट आंसर 6 मंथ, 6 महीने के बाद उसको स्टार्ट करना है कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग्स, अर्थात पूरक पोषण देना है बच्चों को। नेक्स्ट, स्कर्वी इज द कास्ट बाय डिफिशेंसी, स्कर्वी जो रोग होता है वो विटामिन सी की कमी के कारण होता है। व्हाट इज द न्यूनेटल पीरियड्स, न्यूनेटल पीरियड्स 0 से 28 दिन को कहा जाता है, और इन्फेंट्स 1 ईयर तक को कहा जाता है। विच डिजीज इज द ट्रांसमिटेड मेनली बाई फेसियो ओरल रूट्स, राइट आंसर पोलियो,
इसके अलावा हेपेटाइटिस बी, डिप्थीरिया एंड टिटनेस, ये सारे बैक्टीरियल रोग होते हैं, ये ओरल फेसे ओरल रोड से नहीं होते हैं। ए 5 ईयर्स ओल्ड हैविंग लूज मोशंस हैज़ एडिक्यूट्स यूरिन आउटपुट्स एंड इफ इज पेनफुल व्हाट शुड डू यू राइट आंसर, गिव ORS टू ड्रिंक्स, ORS पॉकेट देना है, जिसे ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशंस कहते हैं, जो हाइड्रेशंस को रिहाइड्रेट करता है, इसलिए इसका नाम ORS रखा है गया है। नेक्स्ट, डायरिया मीन्स लूज स्टूल इन वन डेज 3 or more times, 3 से अधिक बार होता है, लूज स्टूल पतला दस्त, तो वह डायरिया कहलाता है। हु कैन प्रोवाइड कंगारू मदर्स केयर्स, KMC, राइट आंसर ऑल ऑफ दिस, मदर फादर ग्रैंड मदर, कोई भी कंगारू मदर्स का केयर दे सकते हैं बेबी को। नेक्स्ट, ऑल आर ट्रू फॉर डिसेंट्री एक्सेप्ट प्रेजेंट ऑफ वॉर्म्स इन स्टूल, स्टूल में वॉर्म्स कीड़े होना डिसेंट्री का एक लक्षण नहीं है। नेक्स्ट, व्हाट इज नॉट ट्रू अबाउट सेवर निमोनिया इन ए चाइल्ड एज 11 months, राइट आंसर ओनली एक्सरे कैन कन्फर्म। PCV वैक्सीन इज गिवेन टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट, राइट आंसर निमोनिया, PCV के लिए निमोनिया का यूज़ किया जाता है, निमोनिया के लिए। मिजल शुड नॉट बी यूज इफ हैज़ बीन मोर देन हावर्स आफ्टर रिकन्स्टिट्यूशंस, राइट आंसर 4 hours। डोज ऑफ विटामिन ए गिवेन विथ मिजल्स वैक्सीन फॉर ए चाइल्ड ऑफ 16 months 2 lakh units एंड अंडर 9 months 1 lakh units, 9 months चिल्ड्रेंस फर्स्ट डोज इज 1 lakh units और 1 ml एंड एबव चिल्ड्रेंस 9 months टू एबव चिल्ड्रेंस 2 ml आर 2 lakh units, इंटरनेशनल यूनिट्स, IU का मतलब होता है इंटरनेशनल यूनिट्स। विच वैक्सीन प्रिवेंट्स कॉन्जेनाइटल्स रूबेला सिंड्रोम्स, राइट आंसर MR, MR मतलब मिजल्स रूबेला। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर गिवेन इंट्रामस्कुलरली एक्सेप्ट, राइट आंसर MR। द मिनिमम लीगल एज लिमिट फॉर एम्प्लॉयमेंट्स ऑफ चिल्ड्रेन इज, राइट आंसर 14 ईयर्स। फर्स्ट साइन ऑफ प्यूबर्टी इज गर्ल्स इन ब्रेस्ट बर्ड डेवलपमेंट्स, स्तन का बढ़ना। ICTC स्टैंड फॉर इंटीग्रेटेड काउंसलिंग एंड टेस्टिंग सेंटर फॉर HIV एंड एड्स, ICTC सेंटर। द काउंसलिंग टिप्स फॉर एडोलसेंट्स इंक्लूड ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, राइट आंसर कीप क्लासमेट्स इन्फॉर्म्ड, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एडोलसेंट्स मदर्स आर एट ए हाई रिस्क ऑफ, राइट आंसर ऑल ऑफ द दिस, लो बर्थ वेट बेबीज, मिस कैरेज एंड स्टिल बर्थ, ये सब हाई रिस्क के कारण होते हैं। वाट इज द डिफरेंस एमोंग द चॉइसेस गिवेन, राइट आंसर इंसुलिन, क्योंकि इसमें कॉपर टी, छाया और कंडम, ये सब कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है, बाकी जो इंसुलिन है यह एक प्रकार का हार्मोन्स औषधि है। नेक्स्ट, व्हाट इज द ट्रू अबाउट माल स्टरलाइजेशन, राइट आंसर नॉन एज वेसेक्टोमी, जब स्टरलाइजेशन के लिए मेल में स्टरलाइजेशन जो किया जाता है, नसबंदी किया जाता है, उसे माल, यहाँ मैंने पढ़ दिया था फ्रेंड्स, माल मतलब कम होता है मेल, सॉरी मेल, मेल के जो स्टरलाइजेशन है, नसबंदी है, उसके उसे वेसेक्टोमी कहा जाता है, और जो फीमेल में परमानेंट मेथड होता है उसे लेप्रास्कोपी या ट्यूबेक्टोमी कहा जाता है। नेक्स्ट, व्हाट इज अंतरा, अंतरा इज द इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्टिव होता है, जो गवर्नमेंट के द्वारा 3 months के लिए यह कारगर होता है, पर 3 months में इसका इंजेक्शन लगाना होता है।
नेक्स्ट, वुमेन इज द रिप्रोडक्टिव एज रिफर्स टू ऑल वुमेन एज 15 to 49 ईयर्स, जिसे लक्ष्य दंपति भी कहा जाता है, लक्ष्य दंपति का वर्ग समूह। व्हाट इज नॉट ट्रू अबाउट द मेल कॉन्ट्रेसेप्शंस? राइट आंसर, एब्सेंटेंस इज नॉट द मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्टेंस। सिफिलिस इज ए कॉम्प्लेक्स सिस्टेमिक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन कॉज्ड बाई ए स्पायरोकिट्स नाम। सिफिलिस के जो कारक है, स्पायरोकिट्स है, उसे ट्रेपेनोमा पेलिडम कहा जाता है। नेक्स्ट, व्हाट इज द टोटल ड्यूरेशन ऑफ ट्रीटमेंट्स ऑफ मल्टी ड्रग्स रेसिस्टेंट ट्यूबरक्लोसिस? एटलीस्ट 24 to 27। जो मल्टी ड्रग्स रेजिस्टेंस होते हैं, MDR जिसको कहा जाता है, MDR का मतलब होता है मल्टी ड्रग्स रेजिस्टेंस, उसे एटलीस्ट 24 से 27 मंथ दिया जाता है। और MDR के बाद TDR भी होता है, जिसका फुल फॉर्म होता है टोटल ड्रग्स रेजिस्टेंस। और एक XDR भी होता है फ्रेंड्स, जिसको एक्सट्रीमली ड्रग्स रेजिस्टेंस भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग्स इज यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ ट्यूबरक्लोसिस इन ऑर्डर टू, राइट आंसर, रिड्यूस रेजिस्टेंस ऑफ द पैथोजन टू ट्रीटमेंट्स, अर्थात वह इम्यूनिटी पावर को कम कर देता है जो पैथोजन होता है, और उसके प्रति वह रेजिस्टेंस, अच्छा जो ट्रीटमेंट होता है उसके प्रति रेजिस्टेंस अपना पैदा करता है। तो उस बैक्टीरिया का रेजिस्टेंस को कम करता है और ट्रीटमेंट करते हैं। इसके लिए MDR का अपनाया जाता है, जिसमें मल्टी टाइप्स के ड्रग्स होते हैं, जिसमें आइसोनाइज्ड, पैराजिनामाइड, इथाम्बुथाल और रिफामसिन, ये चार प्रकार के मेडिसिन्स होते हैं फ्रेंड्स। और जो IV अर्थात इंटेंसिव फेस होता है, उसमें चार प्रकार के चलते हैं, और जो कंटिन्यूस फेस होता है उसमें 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें पैराजिनामाइड को बाहर कर दिया जाता है। डॉट्स इन रेफरेंस टू ट्यूबरक्लोसिस मीन्स डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स, इसका फुल फॉर्म होता है डॉट्स का, सीधे देख रेख में दवा खिलाना, वो भी शॉर्ट कोर्स कम समय में। नेक्स्ट, डेंगू इज कॉज्ड बाय द बाइट ऑफ एडिस एजिप्टी मॉस्क्यूटो, एडिस एजिप्टी के काटने से होता है। ऑल अमंग ऑफ द फॉलोइंग आर द कॉम्प्लिकेशन ऑफ हुक वर्म इन्फेक्शन एक्सेप्ट, राइट आंसर, मेनिनजाइटिस। Which among the following virus is responsible for the most incidence of common colds? Right answer, rhinovirus. Fever followed by the maculopapular rashes and any of the cough, coryza, conjunctivitis. Right answer, measles. Next, what is the not true about rabies? Right answer, nothing can be done post exposure. Symptoms of typhoid include all except seizures, abdominal pain, headache and loss of appetite. Next questions, what is the meant by the COPD? COPD means the chronic obstructive pulmonary disease. Stroke is caused by lack of blood supply to cerebral blood vessels. Full form of NPCDCS, National Program for Prevention and Control of Cancer, Diabetes, Cardiovascular Disease and Strokes. What is the formula used to calculate BMI, weight in cases upon height in meters into 2?
स्ट्रोक इज डिफाइंड एज, राइट आंसर इंटरप्शंस ऑफ ब्लड सप्लाईज टू ब्रेन लीडिंग टू डैमेज ऑफ ब्रेन टिश्यूज। राइट आंसर इज द सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ दिस इज नॉट ए नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर। राइट आंसर ओवर वेट्स। बीटा ब्लॉकर एंड ए सी ई इनहिबिटर्स आर प्रिस्क्राइब फॉर द मैनेजमेंट ऑफ, राइट आंसर हाइपर टेंशन, आयोडीन डिफिशेंसी डिसऑर्डर फ्रॉम ए स्पेक्ट्रम ऑफ एबनॉर्मेलिटीज एक्सेप्ट नेक रिगिडिटी नेक रिगिडिटी नेट। दस द डेली रिक्वायरमेंट्स ऑफ आयोडीन फॉर नॉर्मल ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट्स इज 100 to 150 माइक्रोग्राम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेनिफिट ऑफ वेट रिडक्शन इंक्लूड्स ऑल ऑफ द अबव, लोअरिंग रिस्क फॉर कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, रिडक्शन ऑफ हार्मफुल ब्लड फैट्स, हाइपर लिपिडीमिया एंड करेक्शन ऑफ स्लीपिंग डिसऑर्डर। नेक्स्ट, नेशनल लेप्रोसी इराडिकेशन प्रोग्राम वॉज लॉन्च्ड इन, राइट आंसर 1983, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान PMSMA वॉज लॉन्च्ड इन 2016। फुल फॉर्म ऑफ माँ प्रोग्राम इज मदर एब्सोल्यूट्स अफेक्शन। फर्स्ट नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम फर्स्ट लॉन्च्ड इन 1992। इंडियन एम्स टू एलिमिनेट टीबी विथ जीरो डेथ्स, राइट आंसर 2050। टारगेट पॉपुलेशंस कवर्ड्स अंडर राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम RKSK 10 to 19 ईयर्स एज मेल एंड फीमेल ऑफ अर्बन एरियाज। द ऑब्जेक्टिव ऑफ नेशनल डिवॉर्मिंग डे इज टू डिवॉर्म ऑल प्री स्कूल एंड स्कूल एज चिल्ड्रन इनरोल्ड एंड नॉन इनरोल्ड बिटवीन द एज ऑफ 1 to 19 ईयर्स। क्रीमी डे के रूप में मनाया जाता है फ्रेंड्स। नेशनल टोबैको कंट्रोल्स प्रोग्राम लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 2002-2008। नेशनल प्रोग्राम फॉर हेल्थ केयर ऑफ एल्डरली NPHCE कवर्स बेनिफिशरीज अबाउट द एज ऑफ, राइट आंसर अबव 60 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, द थ्री मेन्स कंपोनेंट्स ऑफ द नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम NHMP आर ट्रीटमेंट ऑफ मेंटलिटी इल, रिहेबिलेशन प्रिवेंशन एंड प्रमोशन ऑफ पॉजिटिव मेंटल हेल्थ। एंसर इज द ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट, स्टैचू ऑफ यूनिटी इज द सिचुएटेड इन विच स्टेट्स, राइट आंसर गुजरात। When is the International Yoga Day celebrated in 21 June? Ladakh is the part of which states? Right answer, none of the above. Jammu and Kashmir, Himachal Pradesh, Haryana. Ladakh इसमें से किसी का parts नहीं है, किसी भी states का, क्योंकि उसे जम्मू और कश्मीर से अलग कर दिया गया है। द फर्स्ट इंडियन स्टेट्स टू गो वोली ऑर्गेनिक इज, राइट आंसर सिक्किम। नेक्स्ट, विच डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश हैज हाईएस्ट फीमेल मेल रेशियो एज पर सेंसस 2011, राइट आंसर बालाघाट। मध्य प्रदेश स्टेट वाज द कंस्टिट्यूट्स ऑन 1st November 1956।
सिक्स इसरो एचक्यू इज सिचुएटेड इन, राइट आंसर श्री हरिकोटा, श्री हरिकोटा में स्थित है। नेशनल रूरल हेल्थ मिशन हैज़ बीन लॉन्च्ड इन द कंट्री इन, राइट आंसर 2005 में बना था। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा विल वर्क विथ विच कंट्रीज फॉर इंटरग्रेटिंग आयुर्वेदा प्रिंसिपल्स विथ मॉडर्न मेडिसिन, राइट आंसर ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चंस, इंडियाज फर्स्ट प्राइवेट ट्रेन्स, राइट आंसर तेजस। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए गुड डे। इसका PDF डाउनलोड करना है तो आप नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर ले सकते हैं फ्रेंड्स। थैंक यू, हैव ए गुड डे।